स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल कॉमिक लॉजिक एंड साइंस यानी CLS में, और आज मैं आपको बताऊंगा तौसी का ओरिजिन। तो चलिए शुरू करते हैं। तौसी सबसे पहले अपियर हुआ तुलसी कॉमिक्स के इशू 3 के इच्छाधारी सांप नाम के कॉमिक बुक में। इसे ऋतुराज ने क्रिएट किया था और टाइम टाइम पर इसके आर्टिस्ट बदलते रहे। तो कहानी शुरू करने से पहले बता दूं कि तौसी फिक्शनल कैरेक्टर है तुलसी कॉमिक्स का, है ना यार? था तो जैसा कि आपको पता होगा कि राज कॉमिक्स ने मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स और नूतन कॉमिक्स के कैरेक्टर्स के राइट खरीद लिए हैं, इसलिए तौसी अब राज कॉमिक्स का मेंबर बन चुका है। एंड होप सो कि अगले 5-10 साल में उस पर फिर से कोई कॉमिक्स आए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आएगी। तो उसकी कहानी स्टार्ट होती है पाताल से, जो कि अर्थ के कोर में है। वहाँ पर भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, लाइक कल्प देश, सर्प देश वगैरह वगैरह। कहने को तो यह अर्थ के कोर में बसा है, लेकिन यहाँ बरसात होती है। ख़त्म नहीं हुआ अभी, रुको, यहाँ सूरज उगता है। यहाँ पर स्नेक ह्यूमन फॉर्म में रहते हैं। तौसी के माँ बाप कौन है ये तो कॉमिक बुक्स में रिवील नहीं किया गया, लेकिन इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। तौसी एक नाग है जो नाग बाबा नाम के एक नाग गुरु का नाग शिष्य है और अप्सरा नाग के एक नागिन से प्रेम करता है, लेकिन अप्सरा पे एक नाग की नज़र रहती है जिसका नाम है जब्बर, और जब्बर वहाँ के किंग शेष नाग का बेटा है और शेष नाग वहाँ का सबसे ताकतवर नाग है। अब कई सिर हैं उसके। हमेशा की तरह नाग पंचमी में उत्सव होता था जहाँ प्रतियोगिताएँ होती थी, तौसी और जब्बर में भी हुई, तौसी जीत गया। पर तभी जब्बर ने वहाँ के राजा शेषनाग को कैद करने की कोशिश करी और वो सफल भी हो गया। तभी वहाँ धुआं हो गया और सीन शिफ्ट होता है जहाँ नाग बाबा तौसी को होश में लाते हैं और तौसी पूछता है, बाबा मेरी अप्सरा कहाँ है? नाग बाबा बताते हैं उसे और महाराज शेषनाग को जब्बर ने कैद कर लिया, और तौसी उस प्रिजन का पता पूछता है जहाँ अप्सरा कैद थी। आफ्टर ऑल वो कमिटमेंट करता है कि अब वह इच्छाधारी बनेगा और एक वोल्केनो पर बने शिव मंदिर के सामने तपस्या करता है। लॉर्ड शिवा उसे इच्छाधारी होने का वरदान देते हैं और फिर वो वापस आता है, लेकिन अप्सरा को बचाने के दौरान अप्सरा मारी जाती है। लिटरली ये बहुत गलत हुआ, और तौसी गुस्से में आकर वहाँ के झोपड़ियों को आग लगा देता है, लेकिन नाग बाबा और शेषनाग के समझाने पर वो सिर्फ जब्बर को मारता है, और वहीं पर शेषनाग तौसी को नया किंग घोषित करता है। और नाग बाबा बताते हैं कि अप्सरा को अभी भी बचाया जा सकता है, लेकिन उसे पृथ्वी पर लाना पड़ेगा और पंचवटी के बूटी का लेप चाहिए होगा। और तौसी अप्सरा को लेकर अर्थ पर आ जाता है, और फिर शुरू होता है तौसी के कुछ एडवेंचर जहां अप्सरा जिंदा होकर मर जाती है और फिर जिंदा हो जाती है। फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं और सर्प देश के किंग और क्वीन बन जाते हैं। इनका एक बेटा भी होता है तनी, जो अपने बाप से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसके टीम अप्स भी दिखते हैं अंगारा और जम्बू के साथ। इसके फेमस विलन्स में से कुछ हैं G18, इच्छाधारी नेवला वगैरह वगैरह। पावर्स एंड अबिलिटीज, अब क्या कहूँ मैं, यह जब चाहे तब बरसात करवा सकता है। ये गॉड लाइक वॉरियर है, सही मायनों में ये वह सब करवा सकता है जो हिंदू पुराण के देवता करवा सकते हैं। इवन ये ब्रह्मास्त्र का धारक है, ये किसी का भी रूप ले सकता है। ये एक ऑसम स्नेक वॉरियर है। इसके शरीर में 6 इच्छाधारी रहते हैं जिस पे मैं से वीडियो बनाऊंगा। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कमेंट करो यार, मैं लौटूंगा और भी ऑसम वीडियोज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। And don't forget to check out my older videos.